500 करोड़ के बजट में बनने जा रही है धूम 4। एक नहीं बल्कि तीन तीन विलन आएंगे नजर। पठान फिल्म की अपार सफलता के बाद यशराज फिल्म ने एक बार फिर से धमाकेदार वापसी कर दी है। पठान फिल्म के जरिए सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि शाहरुख खान और यशराज फिल्म की भी वापसी हुई थी। हम सबको बताया कि शाहरुख खान के पिछले कई सालों से एक भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पा रही थी, लेकिन किंग खान ने पठान के जरिए सबकी बोलती बंद कर दी थी। हमको ऐसा ही बताया जा रहा था कि पठान फिल्म ने शाहरुख खान की वापसी कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बता दें कि पठान सिर्फ शाहरुख की ही नहीं बल्कि यशराज फिल्म प्रोडक्शन की भी वापसी की थी। जी हाँ, साल 2022 में यशराज ने एक नहीं बल्कि तीन डिजास्टर फिल्में दी थी और उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ था, और ये सारा लॉस कवर किया है पठान फिल्म ने। अब यशराज फिल्म समझ चुका है कि अगर फिल्म हिट करवानी हो तो सलमान शाहरुख जैसी एक ब्रांड चाहिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ एक धमाकेदार एक्शन फिल्म। और हम सबको बताया कि ऐसी ही फिल्म एक यशराज के पास है जिसका नाम है धूम 4। धूम 4 फिल्म सालों से चर्चे में रही है। ये फिल्म का विलन कौन होगा, कितने बजट में ये फिल्म बनाई जाएगी और ये फिल्म रिलीज कब होगी, कई सारे ये फिल्म से जुड़े सवाल हमेशा सोशल मीडिया पर पूछे जाते हैं। लेकिन अब पठान की अपार सफलता के बाद धूम 4 फिल्म के भी खबरें आना शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म में विलन के तौर पर शाहरुख खान का नाम पहले सामने आ रहा है और जो दूसरा विलन होगा वो सलमान खान होगा, और तीसरे विलन में ऋतिक और अक्षय का नाम सामने आ रहा है। ये फिल्म को एक बहुत ही बड़े स्तर पर बनाई जाएगी। 500 करोड़ ये फिल्म का बजट बताया जा रहा है। खबरें ऐसी आ रही है कि यशराज ये फिल्म में तीन मेगा स्टार को लेने वाला है, वो भी विलन के तौर पर, और ये फिल्म 500 करोड़ के बजट में बनाई जाएगी। इसके अलावा बता दे कि ये फिल्म पर जल्द ही कामकाज भी शुरू किया जाएगा, यानी कि ये फिल्म में साल 2025 से 26 तक रिलीज होने को मिल सकती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये फिल्म कब अनाउंसमेंट ऑफिशियल होती है और कब ये रिलीज होती है। फिलहाल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं धूम 4 फिल्मों को लेकर। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।